तो दोस्तों ये 6:15 6:15 की फ्लाइट है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है यहाँ बेंगलोर में कि आपकी फ़्लाइट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने अभी 3 बजे चलना शुरू किया है ये कैब में और लग रहा है कि 1 घंटे में हम लोग पहुँचेंगे एयरपोर्ट, और 1 घंटे में अगर पहुँच गए तो 4 बजे तक मैं पहुँच पाऊँगा एयरपोर्ट, तब भी 1 घंटे का फिर भी गैप है। मेरी फ़्लाइट का बोर्डिंग टाइम है 5:15, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये फ़्लाइट मेरे को मिल पाती है नहीं मिल पाती है, और मैं जा रहा हूँ नागपुर, तो आपको इस सफ़र पे लेकर के जा रहा हूँ बेंगलोर से नागपुर। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है ट्रैफिक, सुबह सुबह तो ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, लेकिन देखते हैं कि मैं पहुँच पाता हूँ कि नहीं। तो बने रहिए, देखिएगा ये बेंगलोर से नागपुर का सफ़र मेरे साथ में। दोस्तों ये जेपी नगर हम लोग पहुँचे हैं, जेपी नगर से हम लोग शायद राइट टर्न लेने वाले हैं, तो लग रहा है कि पहुंच जाएंगे। और ये देखिए आप, ये जेपी नगर का मेट्रो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर लाल बाग के पास हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सिग्नल है, तो यहाँ पर सिग्नल पे ये लोग रात को 3 बजे हो 4 बजे हो तो बाकायदा रेड सिग्नल के ऊपर रुकते हैं, वेट करते हैं ग्रीन सिग्नल होने का, उसके बाद में गाड़ी चलाते हैं। नॉर्मली ये आपने शायद नॉर्थ में शायद ही देखा होगा, अगर दिल्ली या अगर आप पंजाब या कहीं जाते हैं तो रात के समय में खासकर लोग ऐसे ही सिग्नल को उड़ा लेते हैं यहाँ पर, लेकिन इसका पूरा पालन किया जाता है। और अभी तक हम लोग ये सेंट्रल आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं और उम्मीद है कि हम लोग बिल्कुल टाइम से पहुँच जाएंगे। मन कर रहा रास्ते में रुक करके कहीं कॉफ़ी पीने का, तो देखते हैं कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है कॉफ़ी पीने की तो कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद में जाएंगे एयरपोर्ट। तो ये देखिए बिल्डिंग है LIC का और केनरा बैंक का, इसको अभी ये 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर इसको सजाया गया है, और फिर ये रेड सिग्नल आ गया है और आप देख पा रहे हैं कि हमारी गाड़ी फिर यहाँ रुक गई है। तो यहाँ पर अभी दिखा रहे हैं, यहाँ पर 21 20 19 अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए नंबर जो है, लेकिन यहाँ कायदे की बात ये है कि ये गाड़ियाँ रुकती हैं, सिग्नल को फॉलो करती हैं अनलाइक अदर प्लेसेस। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं एयरपोर्ट, आधा रास्ता हम लोगों ने कवर कर लिया है। और ये फेमस LIC की बिल्डिंग है यहाँ पर, इसको बोलते हैं कॉरपोरेशन सर्कल। तो दोस्तों अभी 4:40 हो रहे हैं, 4:40, 1:40 हमको अभी तक लग चुका है, और अभी एयरपोर्ट यहाँ से 4 किलोमीटर है। तो अब देखते हैं कि ये एयरपोर्ट हम और कितनी देर लगती है, लगता है कि शायद 10 मिनट और लगना चाहिए, लेकिन पता नहीं होता, यहाँ पर भी वेटिंग में कई बार बहुत समय लग जाता है। तो देखते हैं, तो दोस्तों कभी कभी 2 से 2.5 घंटे का 3 घंटे का टाइम भी लग जाता है। मैं बेसिकली यहाँ पर जो साउथ बेंगलोर से यहाँ एयरपोर्ट आने में 3-3 घंटे का टाइम, 3.5 घंटे का टाइम भी लगा है। इवन निशान की तो 2-3 फ्लाइट कई बार मिस हो चुकी है, तो हमेशा 1 से 1.5 घंटे का आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चलिए अगर आप बेंगलोर या हैदराबाद में रहते हैं। ओह माय गॉड, तो दोस्तों ये है सफ़र, और इस सफ़र की कोई मंजिल नहीं है। मतलब ये हुआ कि आप चले जा रहे हैं और वो चले जा रहे हैं, सफ़र ही मंजिल है। तो कितना बढ़िया कोटेशन मैंने आपको दे दिया, देखिए सफर ही मंजिल है। ये देखिए लोग बहुत सारे छोड़ने आए हैं लोगों को, और ये हमारा डिपार्चर गेट। तो दोस्तों हम लोग अंदर आ गए हैं, और ये हमारी फ्लाइट का टाइमिंग इंडिगो, ओके। तो ये इंडिगो के गेट पे हमको जाना है, आई विल ड्रॉप माई लगेज एंड आफ्टर दैट गोइंग टू द बोर्डिंग गेट। तो ये मास्क वास्क लगाना बहुत ज़रूरी है एयरपोर्ट पे, और यहाँ पर अभी बैकड्रॉप के लिए मैं आया हुआ हूँ। ये इंडिगो की फ़्लाइट है, और नॉर्मली इंडिगो की फ़्लाइट लेट नहीं होती है, मैंने देखा है, इट इज़ अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस कि हम लोग हमेशा टाइम पे पहुँचते हैं। तो ये है मेरा बोर्डिंग पास, और गेट नंबर 15 से मेरे को अंदर जाना है, और अब देखते हैं गेट नंबर 15 कितना दूर है। ओ तेरी, ये देखिए लाइन कितनी लंबी है, ओहो हो तो
बड़ी लंबी लाइन है भाई। पहली बार ऐसा देखा कि ऊपर जाने के लिए स्टेयर के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है। बट अच्छी चीज ये है कि बहुत जल्दी मूव करते हैं। इतना रश होने का एक रीजन ये भी है कि बहुत सारे लोग 15 अगस्त की छुट्टी मनाने आते हैं, उसके बाद वापस से अपने काम पे जाते हैं, तो इसलिए ये जो आपको रश दिख रहा है ये उसी का है। और अब मैं जाने वाला हूँ इस वाले गेट से अंदर, यहाँ थोड़ी लाइन कम है। दोस्तों मॉर्निंग फ्लाइट में प्रॉब्लम ये होती है कि रात को आपकी नींद पूरी होती नहीं है। अब ये मेरी सुबह 6:15 6:15 की फ़्लाइट थी, तो मैं रात को अलार्म लगा के सोया तकरीबन 2:30 का। 2:30 के बाद फिर आधे घंटे के लिए सो गया स्नूज करके, तो उसके बाद फिर 3 कैब और उसके बाद में ये थोड़ा भागी होना। तो ये क्या होता है कि जो रात की फ़्लाइट होती है नींद पूरी होती नहीं है और आप आधे आधे से रहते हो। तो ये एक लेसन है कि अगर फ़्लाइट अवेलेबल है, जैसे मैं नागपुर जा रहा हूँ, नागपुर में मॉर्निंग में ज़्यादा फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं है बेंगलोर से, तो अगर फ़्लाइट अवेलेबल है थोड़ी सी लेट मॉर्निंग के लीजिए तकरीबन 8:30 के बाद की, तो आपकी नींद पूरी ठीक ठाक हो जाए, ज़्यादा इसमें इफेक्ट ना हो, ताकि आपका जो दिन का परफॉर्मेंस है उस पर उसका इफेक्ट ना पड़े। तो अभी यहाँ बोर्डिंग गेट के पास में आ गया हूँ और अब यहाँ पर अंदर हम लोग अभी चेक इन करने वाले हैं। हम लोग नहीं, मैं चेक इन करने वाला हूँ, हम लोग तो नहीं बोलते हैं, लखनऊ वाले बोलते हैं हम अकेले को, है ना, तो यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होता है। चलिए मेरा नंबर आ गया है, तो अभी ये लगेज में ये पास में जो बैग है उसका सामान वामान पूरा निकाल के रखना पड़ेगा, मोबाइल भी उसमें चला जाएगा, जब मोबाइल मिलेगा तो उसके बाद में फिर हम बात करते हैं। ऊपर लिखा तो हुआ है एंट्री ओनली फॉर स्टाफ, लेकिन आज रश बहुत ज़्यादा है इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर भी एंट्री पैसेंजर्स के लिए अलाउ कर दी है। ये देखिए कितना रश है यहाँ पर, और ये फाइनली हम गेट के आसपास हैं। दोस्तों सिक्योरिटी चेक इन तो हो गया है, अब यहाँ गेट नंबर 15 है मेरा, तो गेट नंबर 15 पर जाना है। 14 ये देर लग जाती है कभी कभी जब आप जाते हैं। ये देखिए बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है मेरी नागपुर की, ये मेरी नागपुर की फ़्लाइट हो गई है, मेरी बोर्डिंग स्टार्ट देखिए, तो एकदम सही टाइम पे पहुँचा हूँ। तो ये अक्सर चैलेंज है, जितने भी लोग ये जो मेट्रो में रहते हैं वो दे ऑलवेज नीड टू कम प्रिपेयर 1-1.5 hours बिफोर। सो नाउ आई एम इन द क्यू फॉर माय बोर्डिंग। ये बोर्डिंग के लिए भी देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। ऐसा बोर्डिंग हो गया, अब सीधे फ्लाइट में जाके बैठने वाले हैं। तो लकीली कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल आप एकदम टाइम पे पहुँचें, इसलिए हमेशा समय लेके चलें एक्स्ट्रा कि आप टाइम से पहुँचें, और 1-1.5 घंटे का समय एक्स्ट्रा होना चाहिए आपके पास में। दोस्तों ये इंडिगो की बस है, ये बस लेकर के जाएगी हमको फ्लाइट का। आप देख रहे हैं बस में देखिए रन कितने, सब 15 अगस्त की छुट्टी उट्टी मना करके बढ़िया। और बेसिकली होता क्या है कि यहाँ मेट्रो में जो लोग होते हैं वो मौके ढूंढते हैं बाहर घूमने जाने के, तो इसलिए क्या होता है लॉन्ग वेकेशन पे दे आर प्लानिंग फॉर सम हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं। तो आपने इस बार क्या प्लान किया हुआ जरूर कमेंट करके बताइए। और अभी हम जाने वाले हैं अपनी फ्लाइट की तरफ। ये भाई साहब बड़े पूजा पाठ वाले लग रहे हैं, बिल्कुल सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद में उस तरीके से इन्होंने बस चलाना शुरू किया। अच्छी आदत होती है, आप भगवान को याद करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन आपका मंगलमय होगा हमेशा। और ये अब तैयार हम लोग अपनी फ्लाइट की तरफ जाने के लिए। तो ये बेंगलोर एयरपोर्ट के अंदर का मैं हिस्सा दिखा रहा हूँ आपको, ये रनवे के पास का। जब भी आप सुबह सोकर के उठते हैं जल्दी तो भूख भी जल्दी लगती है, तो मेरा मन था कि एयरपोर्ट पे कुछ खा लिया जाए लेकिन टाइम था नहीं, और थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह इडली वड़ा सांभर खाने का मन था लेकिन टाइम बचा नहीं। तो अब देखते हैं फ्लाइट में क्या खाने को मिलता है, जो मिलेगा वो खाएंगे। भूख तो लग रही है और बस पहुँचने वाले हैं हम फ्लाइट की तरफ।
ये गेट खुल गए हैं और हम अपनी फ्लाइट की तरफ जाने को तैयार। तो ये फ्लाइट हमको लेके जाएगी नागपुर तक। मेरा सीट नंबर है 3D। थैंक यू। तो अब मैं अपने सीट की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों, और ये देखिए बेंगलोर एयरपोर्ट का खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों ये मैं अपनी फ़्लाइट तक पहुंच चुका हूं और फ्लाइट में अपनी सीट पे बैठ गया हूं। तो जितना टाइम आपको एयर ट्रेवल में नहीं लगता, उससे ज़्यादा टाइम आपको घर से एयरपोर्ट आने में लग जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, विडम्बना है, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड अदर इश्यूज़। तो आशा करता हूँ कि ये आपने इन्जॉय किया होगा। अब यहाँ पर कुछ लर्निंग्स हैं इस सफ़र की, वो लर्निंग्स क्या हैं वो आप बताइएगा, और साथ ही साथ में फिर हम मिलेंगे। अभी मैं नागपुर पहुँचूँगा फिर आपको बताता हूँ, ठीक है ना। नागपुर एयरपोर्ट पे मैं आपको फिर दोबारा एड्रेस करूँगा, फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक इन्जॉय कीजिए, और मेरे भूख लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि ये फ्लाइट चलना स्टार्ट हो तो कुछ खाने को मिलेगा। तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।